हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इससे पहले मैं आपके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग शेयर कर चुकी हूं और डेफिनेशन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू रिड्यूज द डैमेज डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी डैमेज को रोकना अब इसके अलावा इसके और भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आइडेंटिफाई दॉेज यानी डिजास्टर को पहचानना और उसके कारण क्या क्या है वो ऑब्जेक्टिव में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिड्यूसेज द लॉस ऑफ हेजर्ड हजार्ड यानी जो डिजास्टर है उसकी वजह से जो जो लॉसेज मिनिमाइज करना रिव्यूइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क रिस्क को मैनेज करना और उसे कंट्रोल करना कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं टाइमली जिस टाइम डिजास्टर हो रहा है अप्लाइंग एफिशियट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिलीफ फूड शेल्टर एंड मनी मेडिकल एंड अदर फेसिलिटीज इन डिजास्टर अफेक्टेड पीपल डेट दे कैन सर्वाइव यानी एफिशिएंट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिलीफ यानी ऐसे रिलीफ फूड शेल्टर मनी मेडिकल ये सारी फैसिलिटीज उन एरियाज में प्रोवाइड करना जहां पर डिजास्टर की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है रिड्यूसिंग द डैमेज डेथ सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी नेचुरल ह्यूमन इंड डिजास्टर कि उस डैमेज को क्या करना रिड्यूस करना उसकी वजह से डेथ हुई है जो लोग सफर हुए हैं नेचुरली ह्यूमंस उन्हें क्या करना प्रोटेक्ट करना ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है गिविंग प्रोटेक्शन टू विक्टिम्स यानी जिस एरिया में डिजास्टर डिजास्टर आया उस एरिया के लोगों को हम बोलेंगे विक्टिम्स तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ अमंग द पीपल टू सर्वाइव अगेंस्ट डिजास्टर लोगों में स्ट्रेंथ इंक्रीज करना यानी लोगों को स्ट्रांग बनाना मेंटली भी और फिजिकली भी कि लोग क्या करें डिजास्टर से फाइट कर सके एनश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी वहां पर लोकल इमरजेंसी की सारे इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होनी चाहिए जैसे एम्बुलेंस फर्स्ट एड या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग जो लोगों को बचा सके अचीविंग क्विक रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर और इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजास्टर से क्विक रिकवरी कैसे करा सकते ये सारे थे इसके ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है ये छोटे लेवल पे नहीं वर्क करता इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है अब इसके अंदर क्या क्या आता है फोकस इज ऑन द कॉज ऑफ डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो डिजास्टर हुआ है उसका कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना उसके इम्पैक्ट को कम करना उसका इफेक्ट चेक करना नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कितना हो रहा है एक्सपोजर एंड नॉलेज अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजास्टर की जहां जहां अलग अलग एरियाज में डिजास्टर हुआ है उनको चेक करना उनको कितना इफेक्ट हुआ है ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है प्री डिजास्टर फेज की चेकिंग करना प्री डिजास्टर फेज का मतलब है यानी डिजास्टर के आने से पहले का फेज जैसे कोविड है कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो अलग मतलब लोग गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी देन सेकंड वेव आने से पहले गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ अपने आप को रेडी कर लिया था तो वो आता है प्री डिजास्टर फेज चेकिंग में नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ पोस्ट डिजास्टर फेज यानी डिजास्टर अब चला गया देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है गवर्नमेंट की लोगों की कैसे कैसे रिपेयरिंग करना या कैसे मूवमेंट कराना कि कंट्री की इकोनॉमी ना हो वो चेक करना रिहेबिलेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी यानी रिहेबिलेशन अगर जिन लोगों ने लॉस कर दिया अपने घर वगैरह जर्नली डिजास्टर मैनेजमेंट में हम फ्लड अर्थक्वेक वलकैनिक इप्शन इन्हें लार्ज लेवल पे कवर करते हैं सुनामीज आना तो उनसे लोगों को क्या कराना रिहेबिलेशन प्रोवाइड करवाना क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम उस एरिया में जहां डिजास्टर आया वहां पे क्या हो जाता है जब भी कोई डिजास्टर या अर्थक्विक वगैरह आता है तो वहां का सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम यानी उस एरिया से क्या हो जाता है कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वहां क्विक क्विकली और इफेक्टिवली क्या करना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना ये डिजास्टर मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना डिजास्टर आने से पहले जैसे गवर्नमेंट कर रही है कोविड कोविड एक डिजास्टर नहीं है पर कोविड को हम इसका एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि जैसे कोविड आ गया था तो गवर्नमेंट लोगों को अवेयर कर रही थी कि आप मास्क पहनो आप सैनिटाइजर यूज करो डिस्टेंस मेंटेन करके रखो सेम इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करते हैं डिजास्टर आने से पहले जैसे असम साइड या और मेघालय साइड उधर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है तो गवर्नमेंट पहले से ही लोगों को अवेयर करने लग जाते है लोगों के लिए रिफ्यूजी कैंप्स लग जाते हैं कि लोग क्या करें वहां से इजिली मूव कर सकें बिफोर डिजास्टर या बिफोर फ्लड ये चीज होती है अवेयरनेस क्रिएट करना गिविंग वार्निंग लोगों को वार्न करना डिजास्टर आने से पहले शिफ्टिंग एक्सपोजर फ्रॉम वर्नलेबल एरिया इन टू सेफ प्लेस वर्नलेबल एरिया का मतलब है वीक एरिया जहां पे डिजास्टर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है वहां से लोगों को शिफ्ट कराना सेफ प्लेस पे ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना डिजास्टर को कम करने की अब जैसे असम है मेघालय यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कि कैसे यहाँ पे बाढ़ को रोका जा सकता है तो उसको मैनेज करना भी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है मेक एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इन्वायरमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं क्योंकि जब भी ये डिजास्टर आते हैं ये हमारे क्या करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और उसके स्कोप अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं स्टेट यून फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस